hello friends this is atul i'm talking about uh, when you are attempting your paper in examination hall uh, what kind of uh, things can help you uh, i've seen people over the years in so many years that i have followed the, the civil service examination i have come across a lot of students who have got different plans for this and ultimate aim is to crack prelims. so

इन वॉट वे दीज ऑर्डनरी लुकिंग क्वेश्चन आर मेड टफ लोगों को लगता है कि ये आंसर तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पहचाना सा है बट जब आप अटेम्प्ट करते हैं जब आप उसके ऑप्शन को देखते हैं देन ओनली यू रियलाइज दैट इट्स टफ सो फर्स्ट थिंग वेन यू स्टार्ट योर पेपर रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली री रीड इट दोबारा पढ़ें उस चीज को बिफोर आप उस का इजी क्वेश्चन आंसर भी कर पा रहा हूं एंड दिस विल गिव यू एक साइकोलॉजिकल लिफ्ट यू नो द एग्जाम प्लान आपको मालूम है कि स्कोरिंग किस तरह से होती है आपको किस तरह से मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं सो so, बजट योर टाइम जो आपके पास uh, दो घंटे का टाइम है और आप जब अटैम्प्ट uh, कर रहे हैं तो नॉर्मली आई हे सीन पीपल अटैम्प्ट अराउंड 40 45 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो करेक्ट आंसर्स दैट बिकम्स द बेस ऑफ योर अटैम्प्ट एंड ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फोर्टी आउट क्वेश्चन अटेम करना करेक्ट बहुत कोई बड़ा एक चैलेंज नहीं है एक नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है उसके बाद के नेक्स्ट uh, क्वेश्चन भी 98 एट एंड इट इज इन दैट फैसिलिटी ओनली बट अगर आप अपने लिए कोई एम लेके चल रहे हैं तो माय सजेशन बी एम फॉर एटलीस्ट वन प्लस बिकॉज आप अपने को सेफ जोन में रखने की कोशिश करें एक ऐसी जगह पाएं जहां पर कि आपको अगर कहीं कोई कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एंड यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर इट गोज अबव हंड्रेड टेन हंड्रेड फिफ्टीनोज इट्स नॉट वुड रिमेन लेस देन हंड्रेड सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कहां आप अपने लिए क्या चीज प्लान करके चल रहे हैं आप जब आप चीजों को देखते हैं अगर मैं बात करूं कुछ स्मार्ट कैंडिडेट्स बात करते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपने को इस तरह से ट्यून करें कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके आंसर को आप गेस करने की कोशिश करें एंड अगर ये चीज आप इस चीज में अपने को ट्रेन कर चुके हैं और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने जिसका कि आप प्रॉबेबल आंसर गेस कर पा रहे हैं और वही आंसर उन ऑप्शन आता है तो इट बिकम्स केक वॉक फॉर यू वहां पे आप टाइम भी बचा पाएंगे questions के uh, options को देख के और आपका आंसर तो एक्यूरेट होगा ही फिर दूसरी चीज सबसे बड़ी जो आती है कि आप क्वेश्चन में देखें कहीं उसमें कुछ वर्बल uh, डायरेक्शंस है कहीं कोई ट्विस्ट नजर आ रहा है बिकॉज एक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल सा लगता है समटाइम्स देयर इज सम ट्विस्ट एंड दैट मेक्स स्टूडेंट्स कमिट सम मिस्टेक्स आप अगर उन डायरेक्शंस को उन वर्बल डायरेक्शंस को पकड़ पाते हैं तो देन वो बिकम वेरी इजीियर आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो जहां पे आपको कुछ डाउट्स होंगे कहीं लगेगा कि आप uh, uh, इन्फॉर्मेशन जानते हैं बट कहीं दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन के अंदर कहीं कुछ डाउट uh, uh, आ रहा है उस जगह पे एलिमिनेशन मेथड uh, एक प्रोवन मेथड है जहां पे कि यू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड प्रॉब्ली यू आर एबल टू मेक द राइट आंसर एंड दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग प्रेलिम्स एग्जामिनेशन आप कई बार कुछ चीजें आती हैं जहां पे कि आ, आपको लगता है कि मैं आंसर कर पा रहा हूं बट मेरे को दो आंसर्स कुछ ऐसे लगते हैं सी देर इज ओनली वन करेक्ट आंसर यूपीएससी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आ, कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं उसमें दो आंसर ऐसे बहुत क्लोज होते हैं बिकॉज़ दैट इज द ब्यूटी ऑफ एग्जामिनेशन इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि अपेरेंटली आपको दो ऑप्शंस ठीक लगते हैं बट वहाँ पे आपको अपनी एजुकेटेड गेस करनी है अपनी इंफॉर्मेशन आपने जो ओवर द इयर्स नॉलेज अवेयरनेस एक्युमुलेट किया है उस चीज को यूज करते हुए कहीं आप रिकॉल सोचें आप अगर आपके पास टाइम है कि चीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं एंड इन केस यू आर एबल टू डू इट परफेक्टली फाइन दिल बी सम जो बड़ा एलियन से लगते हैं unfamiliar से हैं और ये आपकी ही अकेले नहीं आपके साथ ही नहीं है और भी जो स्टूडेंट्स uh, जो कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं उन लोगों के साथ देखिए ज्यादातर लोग सिमिलर uh, सोर्सेस uh, होती हैं वही सेम बुक्स हैं वही सेम स्टडी मटेरियल है कई बार करंट अफेयर्स पे भी एक जो आ, एक परसेप्शन है कि कोचिंग्स बहुत सारी करंट अफेयर्स के ऊपर एक नोट्स तैयार करते हैं दो नोट्स आर वेरी इफेक्टिव सो आप भी मुझे लगता है कि शायद उन्हीं सोर्स अगर आप उससे आगे हैं अगर आपने अपनी कुछ एथोंटिक बुक्स कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग की है आप आ, एविड न्यूज पेपर रीडर हैं आप न्यूज पेपर न्यूज पेपर से पढ़ते हैं ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से यू विल हैव एन एज एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग एज आपके अगर एक दो क्वेश्चन से ज्यादा आप स्कोर कर पाते हैं यू आर इन इट्स ओपन कॉम्पिटिशन रिलेटिव सो इफ यू आर एबल टू है

मे बी शायद आपको कोई ट्रिगर मिल जाए जिससे कि आप आंसर कर सकते हैं इट्स ऑल अबाउट एमलगेशन ऑफ योर इंटेलेक्ट विच यू हैव गेन्ड ओवर द मंथ्स एंड इयर्स। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन फॉर योर प्रिपरेशन एंड हेयर आई थिंक वन लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक दोज प्रिपेयर विद ओरिएंटेड प्रिपरेशन they find uh, handling prelims examination very easily uh, they are able to comprehend and they find it uh, answering effectively so all the best thank you so much and uh, perform best the best you can do give your best and come out victorious thank you god bless